मैं आपके साथ निधि पांडे। आइए शुरुआत करते हैं आज की। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही धर्मनगरी काशी में मौसम का रुख तेजी से बदल रहा है। मार्च के महीने में ही वाराणसी में आसमान से अंगारे बरसने लगे हैं। अचानक हुए इस बदलाव के कारण पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का अभी से ही जीना मुश्किल कर दिया है। टेम्परेचर रोज का रोज बढ़े जा रहा है, 40 42 43 तक पहुंच जा रहा है। कभी ऐसा देखने में नहीं आया हो कि इतनी जल्दी इस कदर गर्मी बढ़ जाए। इस तपती गर्मी से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं। सड़क पर चल रहे लोग गर्मी और लू से बचने के लिए जहां आम का पन्ना, नारियल पानी और मौसमी फलों का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं तेज धूप और इसकी तपिश से बचने के लिए लड़कियों के साथ ही पुरुष भी चेहरे को और सिर को कपड़े से बांधकर चल रहे हैं। काशी में तेजी से चढ़ते पारे और भीषण गर्मी के कारण देशी फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के मटके और सुराही की डिमांड काफी बढ़ गई है। गर्मी में डिमांड बढ़ने के कारण देशी फ्रिज के दाम भी आसमान पर है। बावजूद इसके गर्मी में ठंडे पानी के लिए देशी फ्रिज लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। ये 2-3 दिन हो गया, हाँ गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई है, इसमें पारा तो ज़्यादा ही काफ़ी है। क्या लग रहा है आपको, इस समय सेल बढ़ रही है या सेल तो अभी वो कोई विशेष नहीं है, सेल तो अभी डाउन ही चल रहा है। मतलब अभी लगा दिया कि गर्मी में गला वला सूखता है कस्टमर लोग का, तो मतलब लगा देते हैं, उससे जो कि संतुष्टि रहती है, पीने के बाद थोड़ा सा राहत रहता है। मार्च के महीने में बीते गुरुवार का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विज्ञानियों की माने तो राजस्थान से लगायत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में हीट वेव चल रहा है, जिसके चलते गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं। सड़क पर चल रहे लोगों को तेजी से चल रही गर्म हवा ज्यादा सता रही है। देखिए पिछले एक हफ्ते से गर्मी ने अपना रंग अचानक बदल के एक आया कि 40 डिग्री के पार पारा जा चुका है, और वर्तमान समय में जब घर से हम लोग 10 बजे के बाद बाहर निकलते हैं तो चेहरा ढक कर निकलना पड़ रहा है, या तो गमछे से या रुमाल रख के बाहर निकलना पड़ रहा है। 4 बजे शाम तक ये स्थिति रह रही है, मतलब जो वर्किंग टाइम है उस समय आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, ये कंडीशन है। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए ये चाहिए कि रोड के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए जाए, थोड़ा सा शेड लगाया जाए ताकि आम जनता को भी सुविधा हो, आने जाने में सुविधा हो। अभी तो फिलहाल देखिए आजकल में सोचेंगे, क्योंकि गर्मी देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तौलिया गमछा लेना पड़ेगा। वैसे भगवान ने अपना रूप बदल लिया और क्या कर लिया, कहना ये चाहता हूँ प्रशासन की तरफ से अभी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। हाँ कल को बच्चे बीमार होने लगेंगे, लोग चलते चलते गिरने लगेंगे, तो प्रशासन भी चेतेगा। प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करें, पीने का व्यवस्था करें, स्कूल की टाइमिंग चेंज करें, ताकि समय से पहले लोग इसके बारे में अवेयरनेस हो सके और समय से पहले चीज़ें हो सके। और इससे बचने के लिए हम लोग जैसे जो सक्षम हैं वो लोग तो गन्ने का यूज़ पीते हैं या तमाम तरह के सारे, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, समाज के जो गरीब वर्ग हैं वो लोग इससे बेहाल हैं। इसलिए हम और सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी चौराहे पर कोई पानी की कोई प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ कुछ सामाजिक संगठन जैसे भारत विकास परिषद नाम के एक संगठन है, जिसने कि आज सुबह में मीटिंग हुआ था, उन्होंने फैसला किया कल हम लोग कई चौराहों पे अपने हाथ से अपने पैसे से प्याऊ लगवाएंगे। अरे गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रही है, लू चल रही है, धूप। अरे बचने के लिए अपना बैठ रहे हैं कमरे के अंदर, मुंह बांधे हुए हैं,
अपना बचने के लिए यही उपाय बना रहे हैं, पन्ना ले ही रहे हैं धूप में निकलने के बाद, कि धूप में निकलना भी या पन्ना पी ले, धूप नहीं लगेगा, धूप नहीं बचने के लिए। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि शुरू होते ही रामनवमी पर्व की धूम चारों तरफ दिखने लगी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी के उपलक्ष्य में मिर्जापुर के चुनार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम के जयकारे के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें विहिप और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भाग लिया। चुनार के अलग अलग हिस्सों में विहिप द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए जयकारे से पूरा क्षेत्र श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान विहिप नेता ने कहा कि इस जुलूस का मकसद हिंदू समाज को संगठित और जागरूक करना है। श्री राम के जयकारे के साथ यूपी फतह करने वाली बीजेपी की जीत में विश्व हिंदू परिषद की भी एक बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में बीजेपी नेता और विहिप का साथ चुनार के रामनवमी जुलूस में भी देखने को मिला। हजारों की संख्या में बीजेपी, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस में हिस्सा लिया और भगवा ध्वज जय श्री राम के जयकारे से पूरा चुनार राम रंग में रंगा दिखा। काशी को पर्वों और त्योहारों का शहर कहा जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार की शाम वाराणसी में गाजे बाजे और धूमधाम के साथ मां गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में मारवाड़ी और हरियाणवी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और शोभा यात्रा में मां गणगौर की जय जयकार करते चल रहे थे। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा को रोक रोक कर मां गणगौर की स्थानीय लोगों द्वारा आरती उतारी गई और फूल बरसाए गए। इसके अलावा गोदौलिया चौराहे पर समाज की महिलाओं एवं कन्याओं द्वारा भव्य रूप से मां गणगौर की आरती करते हुए नृत्य की अनुपम झांकी भी प्रस्तुत की गई। वाराणसी के सूर्या से शुरू हुई मां गणगौर की शोभा यात्रा भक्ति गीतों का गान और जयकारे लगाते हुए लक्ष्मीकुंड पहुंची, जहां परंपराओं के अनुसार प्रतिमा का लक्ष्मीकुंड तालाब में विसर्जन कर दिया गया। आज हम लोग का शोभा यात्रा निकल रही है दुर्गा माता के संदर्भ में और क्या नाम है होली के बाद ये 15 दिन का हम लोग का होता है पूजा, उसके बाद में आज मूर्ति पूजन की जाती है। वही शोभा यात्रा हम लोग गोदौलिया शाम मंदिर होते हुए लक्ष्मीकुंड तक जाएगी। भदोही में ज्ञानपुर कोतवाली के सिंहपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक बाइक और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई और बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं छात्र की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा मचाया और इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई हो गई। क्या हुआ पूरा घटना बताइए। घटना हो गया, लड़का खत्म हो गया। ये सुबह में 6:30 बजे मतलब हाई स्कूल परीक्षा देने जा रहा था कमलापुर, और रास्ते में साइकिल से जा रहा था, सिंहपुर में एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ उसका। हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे साइकिल सवार छात्र की मौत से आक्रोशित परिजनों ने आर्थिक सहायता के लिए जमकर हंगामा कर सड़क जाम कर दिया। Oh,
भदोही ज्ञानपुर कोतवाली के सिंहपुर की, जहां शुक्रवार की सुबह हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए विजय कुमार नाम का छात्र साइकिल से जा रहा था। जैसे ही वह सिंहपुर पहुंचा तभी बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई। इस दौरान बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। साइकिल सवार छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों व परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर दुर्गागंज से मोहानी जाम कर दिया। मौके पर आए पुलिसकर्मी ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उनसे हाथापाई कर ली। इस बाबत तनाव को देखते हुए वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। आप लोगों ने जाम किस लिए लगाया, क्या कारण है? जाम हम लोग को यही चाहिए कि सर कि डीएम साहब आ जाए, बस यही लोग जाओ, डीएम साहब आ रहे हैं, ये लोग सुनवाई कर नहीं रहे, जिला अस्पताल में लेकर वहाँ की सुनवाई नहीं हुआ, लाठीचार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले कर रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि कुछ उसको जो गरीब है, बहुत गरीब है, कुछ लाभ मिल जाए। खबरें और भी है लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। किड्सी की कोशिश है बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य सवर जाए। देश भर के 1,00,000 से भी ज्यादा बच्चों पर किड्सी के नए फॉर्मेट को रिसर्च किया गया है, इसीलिए अब बच्चों को किड्सी ही लगे सबसे प्यारा। जी लर्न से ऑथराइज्ड किड्सी प्री स्कूल गोपीगंज में बड़े शिव मार्ग मिर्जापुर रोड स्थित है। अंधा सा है, कितना सुन...